हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू सिविल सॉल डिस्कस करते हैं नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ जॉइंट्स तो जो भी रिजिड पेमेंट्स होते हैं उसमें आप जॉइंट्स प्रोवाइड करते हैं वो बेसिकली दो टाइप्स के होते हैं फर्स्ट इज़ ट्रांसवर्स जॉइंट एंड सेकेंड इज़ लॉन्गील जॉइंट तो ट्रांसवर्स जॉइंट बेसिकली इतने टाइप्स में डिवाइड कर देते हैं एक्सपेंशन जॉइंट कॉन्ट्रेक्शन जॉइंट एंड कंस्ट्रक्शन जॉइंट बात करते हैं लॉन्गीट्यूडनल जॉइंट की तो जब आप कोई भी पेमेंट कंस्ट्रक्ट करते हैं ठीक है तो सपोज आपने क्या किया कोई भी जॉइंट प्रोवाइड नहीं किया और डायरेक्टली रिजिड पेमेंट में क्या होता है स्लैब एक्शन होता है आपने एक स्लैब पूरी जितनी लेंथ की प्रोवाइड करनी थी पेमेंट आपने वो पूरी लेंथ की स्लैब प्रोवाइड कर दी तो उससे क्या होगा हो सकता है कंस्ट्रक्शन टाइम पे जब आप प्लेस कर रहे हो तो उस टाइम पे कुछ क्रैकिंग आकर हो जाए या श्रिंक वगैरह की वजह से कुछ क्रैकिंग आकर हो जाए तो उन क्रैक्स से प्रिवेंट करने के लिए आप क्या करते हैं इन स्लैब्स को पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं क्लियर है तो पार्ट्स में जब आप डिवाइड करते हैं डिफरेंट पार्ट्स में जो है आप इसको डिवाइड करके प्लेस कर देते हैं जब स्लैब को तो वहाँ पर आपको जॉइंट्स प्रोवाइड करने पड़ते हैं तो पहला टाइप ऑफ जॉइंट है लॉन्गीट्यूडनल ज्वाइंट तो सपोज कोई भी स्लैब है आपकी पेवमेंट है तो उसको आपने डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करके प्लेस कर दिया तो यहाँ पर क्या होता है कि अलोंग दी लॉन्गीट्यूडनल डायरेक्शन अब जैसे कि लेंथ के अलोंग जो आप जॉइंट प्रोवाइड कर रहे हैं वो ज्वाइंट कहलाता है लॉन्गीट्यूडनल ज्वाइंट जैसे कि ये लेंथ के अलाग है इस डायरेक्शन में ट्रैफिक मूव कर रहा है तो आपने क्या किया जो भी स्लैब्स को पार्ट्स में डिवाइड किया तो ये लेंथ के अलॉन्ग ये जो ज्वाइंट क्रिएट हो गया क्लियर है तो ये ज्वाइंट आपका कहलाता है लॉन्गीट्यूडनल जॉइंट तो बेसिकली क्या होता है कि जहाँ पर अब आप लॉन्गीट्यूडनल ज्वाइंट प्रोवाइड कर रहे हैं अगर आप इनको पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर श्रिंक होने के चांसेस रह जाते हैं ये श्रिंक हो सकता है तो श्रिंकेज की वजह से कुछ क्रैक्स डेवलप हो सकते हैं इसीलिए आपने क्या किया अलॉन्ग दी लॉन्गीट्यूडनल डायरेक्शन यहाँ पर जॉइंट प्रोवाइड कर दिया और इस ज्वाइंट को और ज़्यादा स्ट्रेंथन करने के लिए स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपने इसी की ट्रांसवर्स डायरेक्शन में बार्ट्स प्रोवाइड कर देते हैं ये बार्ड्स कहलाती हैं टाई बार्स क्लियर है तो इन जॉइंट्स को लॉन्गीडनल ज्वाइंट्स को आप एज अ लेन मार्किंग भी यूज़ कर सकते हैं जैसे कि आपने क्या किया ये जो स्लैब्स की शीट्स प्रोवाइड करी तो एक लेन को दूसरे लेन से सेपरेट करके प्रोवाइड कर दी तो दूस, एक दू, आपने देखा होगा दो लेन को सेपरेट करने के लिए बीच में मार्किंग प्रोवाइड करते हैं तो एज अ मार्किंग भी ये लॉन्गीट्यूडनल ज्वाइंट का यूज़ कर लिया जाता है क्लियर है अब नेक्स्ट टाइप ऑफ जॉइंट जो आता है दैट इज़ ट्रांसवर्स ज्वाइंट तो बेसिकली ट्रांसवर्स ज्वाइंट जो हैं थ्री टाइप्स के हैं कॉन्ट्रेक्शन ज्वाइंट्स तो बात करते हैं फर्स्ट टाइप ऑफ ज्वाइंट दैट इज कॉन्ट्रेक्शन ज्वाइंट तो कॉन्ट्रेक्शन ज्वाइंट क्या होता है कि जैसे कि जो भी आपने ये सपोज स्लैब प्रोवाइड करी ठीक है तो ये स्लैब है ये एक लेन से दूसरे लेन सेपरेट करते हुए आपने इस टाइप को स्लैब्स को प्रोवाइड किया सपोज दूसरी स्लैब जो है ये आगे कंटिन्यू हो गई ठीक है तो इसको आपने आगे जो है कंटिन्यू कर दिया तो ये स्लैब इधर हो गई दूसरी स्लैब जो है इस डायरेक्शन में सपोज आगे आपने प्रोवाइड कर दी तो बेसिकली जब आप बात करते हैं स्लैब की तो क्या होता है कि आपने ये देखा कि ये स्लैब है तो इसके ट्रांसवर्स डायरेक्शन में आप कुछ ज्वाइंट्स प्रोवाइड कर देते हैं ठीक है तो ये जो जॉइंट्स प्रोवाइड करते हैं जिससे कोई भी श्रिंकेज वगैरह ना हो पाए कोई भी क्रैक्स ना डेवलप हो पाए अलॉन्ग दी ट्रांसवर्स डायरेक्शन तो इन जॉइंट्स को आप कहते हैं कॉन्ट्रैक्शन ज्वाइंट तो ये कॉन्ट्रेक्शन ज्वाइंट कहलाते हैं जो कि ट्रांसवर्स डायरेक्शन में आप प्रोवाइड कर रहे हैं और इन कॉन्ट्रेक्शन ज्वाइंट्स को जो है एक ये ग्रुप की शेप में आप इसको जो है प्रोवाइड कर देते हैं तो बेसिकली ये जो विथ होती है इसकी वो अराउंड आप करीब फाइव थ्री एम एम विथ को प्रोवाइड करते हैं अराउंड थ्री एम एम जो है जनरली इसकी जॉइंट्स की रहती है और इनके जो बीच की डिस्टेंसेज होती हैं वो अराउंड एक जॉइंट से दूसरे जॉइंट को सेपरेट करने में जो बीच की डिस्टेंस है दैट इज़ जनरली फोर टू फाइव मीटर रहती है क्लियर है और जो डेप्थ रहती है आप सर जस्ट इतना थोड़ा सा डेप्थ में अंदर तक प्रोवाइड कर देते हैं इन जॉइंट्स को पूरे एरिया में तो ये तो आप टॉप व्यू देख रहे हैं तो इन जॉइंट्स को जो आप प्रोवाइड करते हैं तो अराउंड इसकी जो डेप्थ रहती है कॉन्ट्रेक्शन जॉइंट की वो जनरली ट्वेंटी फाइव टू थर्टी परसेंट रहती है ऑफ़ डेप्थ ऑफ पेमेंट यानी जो भी पेमेंट की डेप्थ है स्लैब की डेप्थ है उसकी डेप्थ की ट्वेंटी फाइव टू थर्टी परसेंट आप डेप्थ में प्रोवाइड कर देते हैं क्लियर है तो ये जॉइंट कहलाते हैं कॉन्ट्रेक्शन जॉइंट और इन जॉइंट को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए जो आप बार्स का प्रोवाइड बार्स का यूज़ करते हैं वो बार्स कहलाती हैं आपकी डॉबेल बार्स तो ये आपको याद होना चाहिए क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव में आ जाता है कि लॉन्गिट्यूडनल ज्वाइंट में कौन सी बार्स यूज करते हैं और कॉन्ट्रेक्शन या ट्रांसवर्स ज्वाइंट में आप कौन सी बार्स का यूज करते हैं ठीक है सेकेंड टाइप ऑफ ज्वाइंट जो है दैट इज एक्सपेंशन ज्वाइंट तो बेसिकली एक्सपेंशन ज्वाइंट क्या होता है कि जब आप एक स्लैब के बाद दूसरी स्लैब को प्लेस करते हैं तो यहाँ पे कुछ एक्सपेंशन होने के चांसेस टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से एक्सपेंशन होने के चांसेस हो जाते हैं तो इन डायरेक्शन में जो आप ये ट्रांसवर्स डायरेक्शन में ये जो जॉइंट प्रोवाइड करते हैं एक स्लैब से दूसरी स्लैब को सेपरेट करने पर जो ज्वाइंट बनता है दैट जॉइंट इज़ नोन एज एक्सपेंशन ज्वाइंट और इन एक्सपेंशन ज्वाइंट में भी आप जो इसको स्ट्रेंदन करने के लिए जो बार्स प्रोवाइड करते हैं वो बार्स भी आपकी डॉबल बार्स रहती हैं क्लियर है थर्ड टाइप ऑफ ज्वाइंट रहता है कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट तो कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट क्या होता है कि जब भी आप पेमेंट का कंस्ट्रक्शन स्टॉप करते हैं सपोज एक दिन आपने काम कर लिया उसके बाद कंस्ट्रक्शन स्टॉप कर दिया फिर अगले दिन आप काम करने आए तो वहां पर एक कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट क्रिएट हो जाता है एक ज्वाइंट बन जाता है जहां पे आप कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट बना देते हैं जिससे कि इट इज़ बेटर टू स्टॉप दी कंस्ट्रक्शन एट द पोजिशन ऑफ कॉन्ट्रेक्शन एंड एक्सपेंशन ज्वाइंट मतलब क्या है कि सपोज आपने जो है कुछ स्लैब का कंस्ट्रक्शन यहां तक आज कवर किया तो अगले दिन जब आप आएंगे तो यहां पर एक कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट क्रिएट हो जाएगा कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट बना देंगे कि आप यहीं से अगला काम स्टार्ट करना है तो ये बेटर होता है कि जब भी आप कोई भी काम करें तो उसको स्टॉप इस आप वहीं पे करें जहां पर कॉन्ट्रेक्शन या एक्सपेंशन ज्वाइंट को आपको प्रोवाइड करना हो क्लियर है तो वहां पर अगर आप प्रोवाइड कर देंगे कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट तो वो ईजी रहेगा कोई भी क्रैक्स वगैरह डेवलप नहीं होंगे तो ये ज्वाइंट जो है ट्रांसवर्स डायरेक्शन में ही जनरली प्रोवाइड होते हैं इनको भी कहते हैं आप कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट अब अब नेक्स्ट टर्म आता है स्ट्रक्चरल इवेल्युएशन ऑफ पेमेंट तो स्ट्रक्चरल इवेल्यूएशन जो आप पेमेंट का करते हैं स्ट्रक्चरली उसको कैसे स्ट्रक्चर है उसका कैसे आपको प्रोवाइड करना है पेमेंट तो वो प्लेट बियरिंग टेस्ट का आप यूज़ करते हैं चाहे वो फ्लेक्सिबल पेमेंट हो या प्रिजेड पेमेंट दोनों के लिए आप प्लेट बियरिंग टेस्ट का यूज़ करते हैं अब बात आती है पेमेंट सरफेस करेक्टरिस्टिक्स तो पेमेंट सपोज इसकी जब सरफेस की बात करेंगे तो ये स्मूथ प्रोवाइड होनी चाहिए बट जिसमें कुछ अनडिवुलेशंस आ जाते हैं इस टाइप से तो ये जो अनड्यूलेशंस होते हैं इनको आप कैलकुलेट करते हैं मेज़र करते हैं बम्प इंटीग्रेटर की हेल्प से तो ऑब्जेक्टिव में पूछ लेते हैं कि अनडीलेशन जो होते हैं उनको आप या पेमेंट सरफेस को आप किससे चेक करते हैं तो बम्प इंटीग्रेटर की हेल्प से आप ये अनड्युलेशंस को मेज़र करते हैं अब बात आती है ओवरले जैसे कि कोई पेवमेंट ऑलरेडी एग्जिस्ट था उसके ऊपर आपको उसको और ऊंचा करना था

कुछ ये डिफरेंट टाइप्स के होते हैं ओवरले जैसे कि फ्लेक्सिबल पेमेंट ऑलरेडी था उसके ऊपर आपने कुछ थिकनेस में फ्लेक्सिबल ओवरले प्रोवाइड कर दिया यानी फ्लेक्सिबल पेमेंट पे ही फ्लेक्सिबल पेमेंट थोड़ा प्रोवाइड कर दिया तो वो कहलाता है फ्लेक्सिबल ओवरले ओवर फ्लेक्सिबल पेमेंट दूसरा रिजिड ओवरले ओवर फ्लेक्सिबल पेपमेंट यानी फ्लेक्सिबल ही पेपमेंट है बट उसके ऊपर आपने जो थिकनेस प्रोवाइड करी है वो रिजिड प्रोवाइड करी है यानी रिजिड पेमेंट आपने कुछ थिकनेस में प्रोवाइड कर दिया तो वो कहलाता है रिजिड ओवरले ओवर फ्लेक्सिबल पेमेंट नेक्स्ट आता है फ्लेक्सिबल ओवरले ओवर रिजिड पेमेंट अब पेमेंट आपका रिजिड है तो उसके ऊपर या तो आप फ्लेक्सिबल ओवरले प्रोवाइड कर सकते हैं या आप रिजिड ओवरले प्रोवाइड कर सकते हैं तो ये डिफरेंट टाइप्स है बट एक डिजाइन है ओवरले की जो कि बैंकलमैन बीम टेस्ट कहलाती है बैंकलमैन ने ये डिज़ाइन ओवरले की की थी बट इनने जो पेमेंट कंसीडर किया था टाइप जो ओवरले का कंसीडर किया था वो फ्लेक्सिबल ओवरले ओवर फ्लेक्सिबल पेमेंट को कंसीडर किया है तो आपको ध्यान रखना है ऑब्जेक्टिव में पूछ लेते हैं कि बैंकल मैन बीम टेस्ट जो है किसके लिए प्रेफर करते हैं फ्लेक्सिबल ओवरले ओवर फ्लेक्सिबल पेमेंट के लिए ठीक है? Over है तो इसको कैलकुलेट करने के लिए आप कुछ स्टेप्स जो हैं डिजाइन करते हैं पहला स्टेप होता है मीन डिफ्लेक्शन

नेक्स्ट आपने कैलकुलेट करते हैं सेकेंड स्टेप में स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू तो स्टैंडर्ड डेविएशन यानी कितना डेविएट हो रहा है डिफ्लेक्शन एक दूसरे से तो उसको सिग्मा से डिनोट करते हैं तो इसका फॉर्मूला होता है समेशन ऑफ़ डी आई डी आई माइनस डी बार होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन माइनस वन यानी कोई भी आइएत पॉइंट पे जो डी की वैल्यू है माइनस जो डी बार आप एवरेज निकाल चुके हैं होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन माइनस वन तो इसकी हेल्प से जो है आप स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड कर लेते हैं नेक्स्ट टर्म आता है करेक्टर डिफ्लेक्शन अब आप इसके बाद फाइंड करते हैं करेक्टर डिफ्लेक्शन तो करेक्टरिस्टिक डिफ्लेक्शन को जो है आप डिनोट करते हैं डी से ठीक है तो इसकी वैल्यू जो होती है डी बार यानी जो भी डी बार की वैल्यू आपको मीन डिफ्लेक्शन की आई है प्लस सिग्मा यानी आई जो सिग्मा को रिकमेंड कर रहा है तो जनरली अगर क्वेश्चन में जो है डी बार प्लस टू सिग्मा इफ दे आर मैंशन इन क्वेश्चन अगर आपके क्वेश्चन में जो है मैंशन है कि टू सिग्मा ही यूज़ करना है तो आप क्या करेंगे टू सिग्मा अदरवाइज नहीं दिया है तो आप डायरेक्टली डी बार प्लस सिग्मा यूज़ करेंगे ठीक है मैंशन इन क्वेश्चन तो इस टाइप से जो है डी आपने करेक्टरिस्टिक डिफ्लेक्शन निकाल लिया अब इनमें कुछ करेक्शन करते हैं तो करेक्शन फॉर सबग्रेड मॉइस्चर एंड टेम्परेचर तो इनका जो करेक्शन करते हैं तो उसकी बाद जो वैल्यू आती है करेक्शन की सपोज उसको डीटी से डिनोट कर दिया तो डीसी जो भी करेक्टरिस्टिक डिफ्लेक्शन की वैल्यू आई है माइनस टी यानी टेम्परेचर करेक्शन माइनस थर्टी फाइव इंटू ज़ीरो पॉइंट डबल ज़ीरो सिक्स फाइव जो भी टेम्परेचर आपके क्वेश्चन में दिया है उसको आप यूज़ करके थर्टी फाइव डिग्री सेंटीग्रेड से माइनस करके इसको पॉइंट जीरो जीरो सिक्स फाइव से मल्टीप्लाई कर देंगे और टोटल करेक्टिस्टिक डिफ्लेक्शन से माइनस करेंगे तो आपको ओवरऑल करेक्शन डी टी की वैल्यू मिल जाएगी ठीक है नेक्स्ट आप कैलकुलेट करेंगे आपने टेम्परेचर करेक्शन निकाल चुके हैं डिफ्लेक्शन आफ्टर टेम्परेचर करेक्शन आपने निकाल लिया अब आप निकालेंगे करेक्शन डिफ्लेक्शन आफ्टर मॉइस्चर करेक्शन यानी कि जो मॉइस्चर करेक्शन के बाद सबग्रेड के बाद जो मॉइस्चर करेक्शन है वो आप फाइंड करेंगे डिफ्लेक्शन आफ्टर मॉइस सबग्रेड मॉइस्चर करेक्शन जो आप फाइंड करेंगे उसकी वैल्यू होगी दैट इज़ टू टाइम्स ऑफ जो भी आप डी की वैल्यू निकाल चुके हैं डी ये होगा फॉर क्ले सॉइल अगर आपकी सॉइल जो है क्ले है अदरवाइज़ वन पॉइंट टू टू वन टाइम्स ऑफ डी का यूज करेंगे क्वेश्चन में जो भी गिवन हो दैट इज़ फॉर सैंडी सॉइल ठीक है तो ये आपने मॉइस्चर करेक्शन फाइंड कर लिया तो फाइनली जो है वो आपको जो डी की जो फाइनल वैल्यू आई उसको अब आप यूज़ करेंगे तो अब जो next step आप जो नेक्स्ट स्टेप आप परफॉर्म करेंगे दैट इज़ होगा ओवरले थिकनेस यानी ओवरले जो आप कितना ओवरले कितनी थिकनेस में आप ओवरले को प्रोवाइड कर रहे हैं तो एच नॉट होता है इसका फॉर्मूला दैट इज इक्वल टू 550 फिफ्टी लॉग बेस टेन डी अपॉन डी क्लियर है तो यानी कि जो फाइनल डी की वैल्यू आई है उसको और डी क्या है आपका जहाँ पर डी की वैल्यू है आपका डी है एलोएबल डी एज एलोएबल डिफ्लेक्शन क्लियर है एलोएबल यानी जितना अलाउ कर रहे हैं इतना इतना डिफ़्लेक्शन जो है अगर आपको अलाउ करना है तो मैक्सिमम अलाउ तो आप इतना कर सकते हैं उसमें डीसी की वैल्यू कितनी आई उससे आप ओवरले थिकनेस की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं तो जनरली जो डीए की वैल्यू होती है वो इस टेबल से आप यूज़ करते हैं कि डी की वैल्यू इधर और इधर आप ट्रैफिक की वैल्यू यूज़ करेंगे क्लियर है कितना ट्रैफिक है तो अगर ट्रैफिक जो है फिफ्टीन से 4500 फाइव हंड्रेड व्हीकल पर डे है ठीक है तो आप डी ए की वैल्यू वन एम एम यूज़ करेंगे और वन पॉइंट टू फाइव एम एम तब यूज़ करेंगे जब ट्रैफिक की वैल्यू जो है फ़ोर फिफ्टी से फिफ़्टीन हंड्रेड व्हीकल पर डे हो और अगर 150 से 450 फिफ्टी व्हीकल पर डे है तो आप डी ए की वैल्यू जो है 1.5 पॉइंट फाइव यूज़ करेंगे ये 1.25 पॉइंट टू फाइव है और वन पॉइंट फाइव तो डी ए की वैल्यू इस टेबल से यूज़ कर ली डी सी की वैल्यू इन स्टेप्स के थ्रू आप कैलकुलेट कर सकते हैं तो फाइनली जो है आप ओवरले थनेस बैंकलमैन बीम टेस्ट के बैंकलमैन बीम टेस्ट से आप इस फॉर्मूले की हेल्प से निकाल सकते हैं एक नोमेरिकल देख लीजिए उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि ऑन अ नेशनल हाईवे पेवमेंट सेक्शन बेंकलमैन बीम डिफ्लेक्शन वॉज ऑप्टेन एज वन पॉइंट फोर फाइव एम एम विद स्टैंडर्डिएशन ऑफ जीरो पॉइंट वन जीरो सेवन एम एम यानी स्टैंडर्डियशन की वैल्यू जो है आपको गिवन है और यहाँ पे बैंकलमैन बीम डिफ्लेक्शन आपको गिवन है क्वेश्चन में ठीक है तो ये डी की वैल्यू जो है आपको डायरेक्टली गिवन है 1.45 पॉइंट mm, फोर और स्टैंडर्ड डेविएशन यानी कि सिग्मा की वैल्यू कितनी गिवन है 0.107 पॉइंट mm. वन पेवमेंट टेम्परेचर मेजर्ड यानी पेवमेंट जो टेम्परेचर है दैट इज 37 डिग्री सेंटीग्रेड गिवन है एंड मॉइस्चर करेक्शन वाज ऑप्टेड एट 1.6 पॉइंट सिक्स वट इज द वैल्यू ऑफ डीसी तो मॉइस्चर करेक्शन 1.6 लगाना है डीसी यानी करेक्टरिस्टिक डिफ्लेक्शन की वैल्यू फाइंड करनी है तो सबसे पहले आप क्या करेंगे डीवार आपको पता है वन पॉइंट फोर फाइव एम एम तो यहां से आप करेक्टरिस्टिक डिफ्लेक्शन की वैल्यू डीसी की वैल्यू निकाल सकते हैं कितनी आ जाएगी फॉर्मूला होता है डीवार प्लस ओवरऑल आपको पता है कंसीडरिंग दी वैल्यू ऑफ टू सिग्मा यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है टू सिग्मा यूज़ करना है तो यहाँ पे आप क्या लिख लेंगे टू सिग्मा तो डी 1.45 वन पॉइंट फोर फाइव है प्लस टू इंटू सिग्मा की वैल्यू है जीरो पॉइंट वन ज़ीरो सेवन तो आपको करेक्टरिस्टिक डिफ्लेक्शन की वैल्यू आ गई वन पॉइंट सिक्स सिक्स फोर एम एम ठीक है आप कह रहे हैं एंड ऑल्सो फाइंड दी थिकनेस ऑफ विटमिनस कॉन्क्रीट ओवरले यानी कि ओवरले थिकनेस आपको फाइंड करनी है तो डीसी निकाल लिया टेम्परेचर करेक्शन निकाल दें तो डीटी की वैल्यू फाइनली फाइंड कर सकते हैं डीटी इक्वल टू क्या होता है डीसी माइनस टी माइनस थर्टी फाइव इंटू जीरो पॉइंट ज़ीरो जीरो सिक्स फाइव क्लियर है तो डीसी कितना निकाल लिया आपने वन पॉइंट सिक्स सिक्स फोर माइनस टेम्परेचर थर्टी सेवन गिवन है माइनस थर्टी फाइव इंटू जीरो पॉइंट जीरो ज़ीरो सिक्स फाइव तो यहाँ से आप फाइनली आप डीटी की वैल्यू निकाल सकते हैं वन पॉइंट सिक्स फाइव वन एम एम क्लियर है तो ये वैल्यू आपकी टेम्परेचर करेक्शन की आ गई उसके बाद जो है आप मॉइस्चर करेक्शन निकालेंगे यानी डिफ्लेक्शन आफ्टर मॉइस्चर करेक्शन के बाद जो डिफ़्लेक्शन की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी तो डिफ्लेक्शन आफ्टर मॉइस्चर करेक्शन तो मॉइस्चर करेक्शन कितना दिया है क्वेश्चन में 1.6 यानी 1.6 टाइम्स ऑफ डीडी की वैल्यू आप पुट कर देंगे कितनी है 1.651 तो फाइनल वैल्यू जो आपकी आ गई दैट इज 2.6416 अब आपको h नॉट की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो h नॉट यानी ओवरले थिकनेस का फॉर्मूला होता क्या है 550 log बेस 10 dc अपॉन dd क्लियर है यानी डिफ्लेक्शन अब आपको यह देखना है कि अलॉएबल डिफ्लेक्शन अगर कुछ नहीं दिया है ट्रैफिक की वैल्यू तो आप क्या कंसीडर कर लेंगे वन कंसीडर कर लीजिए इसको जनरली तो 550 फिफ्टी इंटू लॉक बेस टेन टू यानी फाइनल वैल्यू है जो डी की आई ये क्या आ गई टू डिवाइडेड बाय डी नहीं दिया है तो आप जनरली इसको वन कंसीडर कर लीजिए तो जो ओवरले थिकनेस की वैल्यू आपकी आएगी दैट इज टू थर्टी टू एम एम क्लियर है तो इसकी हेल्प से जो है आप फाइनली फाइन कर सकते हैं लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा अगर आपसे कहते हैं विटूमिनस कॉन्क्रीट ओवरले तो अगर विटुमिनस कॉन्क्रीट वर्ड आ गया अदरवाइज तो ये वैल्यू हो गई लेकिन अगर बिटूमिनस कॉन्क्रीट की बात आ जाती है तो इसका हाफ़ कर देते हैं तो एट्स नॉट जो ओवरले थिकनेस आएगी फॉर बिटूमिनस कॉन्क्रीट के लिए तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर बिटुमिनस कंक्रीट के लिए पूछ रहे हैं तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी एच नॉट बाई टू यानी टू थर्टी टू बाई टू आप करेंगे तो ओवरऑल यहाँ पे वन वन सिक्स एम एम जो है ये आपकी ओवरले थिकनेस हो जाएगी फॉर बिटुमिनस कंक्रीट के लिए क्लियर है थैंक यू फ्रेंड्स